मैं तुझे कह रही हूँ, तू वापस चला जा, वरना तुझे सजा मिलेगी। ब्रह्मलोक में किसी का भी आना मना है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आकर मेरे पेड़ पौधे वनस्पति जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं, और मुझे मेरे पेड़ पौधे और वनस्पति बहुत प्यारे लगते हैं, समझा? मैं यहाँ तुम्हारे पेड़ पौधे और वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बच्चों की मदद करने के लिए आया हूँ। तू चाहे तो भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, अब चोट तुझे पहुंचेगी जब ये पेड़ पौधे तुझे खाने लगेंगे। महामाई, मैं चाहता तो इन बेलों से आराम से छुटकारा पा सकता था, लेकिन अच्छा, बड़ा शक्तिशाली है तू तो फिर रात भर लटका क्यों रहा पेड़ों पर, छुटकारा क्यों नहीं पा लिया? हाँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, और जब तक पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं तब तक हमारा जीवन है, और अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हम सांस कैसे लेते? बातें तो बड़ी अच्छी कर लेता है, मगर इतनी शक्ति अभी है क्या तेरे पास? मेरा मानना है कि अगर जरूरत ना हो तो हमें हमारी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मुझे आपसे मिलना था, इसलिए मैं यहाँ लटका रहा। आपने मुझे कमजोर समझा और इसलिए आप मेरे सामने आए, और अगर मैं इन बेलों को रात को ही काट देता तो शायद आप मेरे सामने कभी नहीं आती। तू अकलमंद भी बहुत है, लेकिन फिर भी तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। मैंने तुझे एक मौका दिया था, पर तूने उसे गवा दिया बच्चे। अब इस ब्रह्मलोक में तेरा अंत निश्चित है बालक। परी, हवा देती है ठंडक जैसे, इन बेलों को जोड़ दो पहले जैसे। सच तो अकलमंद भी है, शक्तिशाली भी है, और दयालु भी है, तो सही मानों में बच्चों का रखवाला है, सच्चाई का प्रतीक है तू बालवीर। समझ में नहीं आ रहा बच्चे कब ठीक होंगे। अरे कब से ज्यादा तो कैसे ठीक होंगे, इसका तो कोई इलाज भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ देखो ना, हमारे बच्चे कल तक तो बड़े हुए थे, अब तो बुढ़ापे की ओर बढ़ गए हैं। हाँ देखो तो सही, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा बड़े लगते हैं। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ समझ कर जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो 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 देखते हैं, आजा। वो महान व्यक्ति जो श्री मोंटू लखानी, उन्होंने कहा है समझ समझ कर जो ना समझे वो श्री मोंटू लखानी है। वो अनाड़ी है बस, एक ही तो बात है। शांत भक्तजनों, शांत। हाँ, और समझ समझ कर जो समझ जाए वो समझदार खिलाड़ी है, समझे आप सब? नहीं। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। समझ समझ कर जो समझ गया, ये घर, जमीन,
ये सब मोह माया है, तेरा कुछ नहीं है, जो भी है सब मेरा है। मतलब भगवान परमेश्वर का है, परमेश्वर का। वाह बॉस, क्या बोला है, लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या है, मैंने जो भी कहा ना उसका मतलब मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस बक दिया। हाँ तो भक्तो, वैसे तो आपकी बातों में वजन है मोंटू बाबा जी। अरे मोंटू बाबा जी में भी तो कितना वजन है। शांत भक्त जनो शांत। मेहर, मिस्टर मोंटू लखानी बड्डे मतलब बुड्ढों का थोड़े समझदार हो गए। नहीं नहीं समझदार नहीं, शातिर हो गए, शातिर। बताओ कैसे? देख, वो हमें बहला फुसला कर हमसे हमारा स्कूल, हमसे हमारा घर छीनना चाहता है, ताकि वो उसमें अपना मॉल और एक फ्लैट बना सके। अब समझ आया कुछ? यू सी ब्रदर? राइट सिस्टर, राइट। ये जमीन, जायदाद, घर क्या है? कुछ नहीं है, इसीलिए तुम इसे मोंटू बाबा को दे दो। क्या दे दो? नहीं, त्याग दो, त्याग दो तुम इसे, स्कूल, घर, जायदाद, परिवार, त्याग दो। ये सब मोह है, इसीलिए छोड़ दो इसे। और उसी दिन श्री मोंटू बाबा उस पे बिल्डिंग बना देंगे। देख महेश, बच्चे खेलने कूदने की उम्र में प्रवचन सुन रहे। हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ, मैं तुम सबको हमारे समय का यादगार, तुम्हारा मनपसंद प्रवचन सुनाता हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हें उसका अर्थ समझाऊंगा। रोहित, म्यूजिक। बोलो भक्त जनो, मोंटू बाबा की जय, मोंटू बाबा की जय, मोंटू बाबा की जय। तो हाँ, इस प्रवचन में महापुरुष ने कहा है, वाई दी स्कोलावरी डी, वाई मतलब क्यों, क्यों ये जायदाद का टेंशन, ये परिवार का टेंशन, ये घर का टेंशन दिया। इसीलिए भक्तों हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमने जायदाद दी, क्या हमने दे दी, ये टेंशन दी, वाई दिस कोलावरी दी। सही कहा मोंटू बाबा, सही कहा मिस्टर मोंटू लखानी। बंद करो अपनी एक बेईमानी डी। मेरा मतलब है बेईमानी जी, मैं तुम्हारी चाल समझ गई हूँ। तुम हमें बहला फुसला कर
हमसे हमारा घर, हमसे हमारा स्कूल छीनना चाहते हो ताकि उनके बदले तुम मोंटू कंस्ट्रक्शंस का मॉल और फ्लैट बना सको। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये आप सबको खोला मेरी नहीं। धोखा देना चाहता है, धोखा। लेकिन मिस्टर मोंटू लखानी, मैं तुम्हें घसीट घसीट कर कोर्ट लेकर जाऊंगा। मिस्टर मानव, तुम हमारे मोंटू बॉस को हिला भी नहीं सकते, तो घसीटने की तो दूर की बात है। एए! एए! मैं घसीटूंगा, मैं इसे कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगा, खींच कर लेकर जाऊंगा, उठा कर लेकर जाऊंगा। लेकिन हमारे घर और बच्चों के स्कूल छीनने नहीं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है मिस्टर मोंटू लखानी। मानो बेटा, हाँ, बेटा ठीक है। बड़ी चालाक निकली रे भयंकर परी, तो बेचारे बच्चों का तो तूने बचपना ही खत्म कर दिया। अब भयंकर परी जैसे बुरी शक्ति की तारीफ कर रही है? मैं उसके भयंकर दिमाग की तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि हर बाजी दिमाग से ही जीती जाती है। भयंकर परी को पता था कि शैतानी हवा का तोड़ रानी परी के पास भी नहीं है। अगर इसका इलाज है, तोड़ है, तो वो सिर्फ महामाई के पास, और महामाई से ये काम करवाना असंभव है। असंभव आपको ढूंढना था, जो मैंने कर दिया। अब आप मुझे उस शैतानी हवा के असर को रोकने की दवाई दे दीजिए, ताकि मैं बच्चों की मदद कर सकूं। कुछ नहीं होगा बालवीर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि दवा बनाने में काफी समय लगेगा, और ये शैतानी हवा पलक झपकते बच्चों को 100 साल का कर देगी। और अगर एक बार बच्चे 100 साल के हो गए, तो दुनिया की सबसे बड़ी वेद गुरु कुछ नहीं कर पाएगी। तू भयंकर चालाक निकली रे भयंकर परी। अगर हमारे पास समय कम है, तो हम कम समय में दवाई बनाएंगे, पर मुझे वो दवाई चाहिए। आप मुझे बताइए, किसकी दवा क्या है? बड़े उतावले हो रहे हो बच्चे, लेकिन ये उतावलापन बड़े जल्दी उड़न छू हो जाएगा। शैतानी हवा का असर रोकने वाली दवा का नाम है पवित्र हवा। ये मैं बनाना तो जानती हूँ, लेकिन इस समय नहीं बना सकती। क्यों? क्यों नहीं बना सकती? इसलिए कि उसके लिए मुझे 3 सुनहरे मोती चाहिए, वो नहीं है मेरे पास। तो 3 सुनहरे मोती मैं लेकर आऊंगा। अब मुझे बताइए, क्यों मिलेंगे कहाँ? बच्चे, इतना आसान नहीं है मोतियों को हासिल करना, और तेरे पास समय भी कम है। वो देख, उधर सूर्यास्त देख, तुझे वो मोती सूर्यास्त से पहले लाने होंगे, वरना इधर सूर्यास्त होगा और उधर पृथ्वी पर बच्चे 100 साल के हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। इन 3 सुनहरे मोती को पाने के लिए तुझे अपने दिमाग और बल दोनों का इस्तेमाल करना होगा। तुझे 3 सुनहरे मोतियों तक पहुंचने के लिए 3 अलग-अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और हर चरण की जीत पर तुझे 1 मोती हासिल होगा। लेकिन याद रहे, ये 3 चरण खतरों से भरे हुए हैं। बच्चों के जीवन के सामने बड़े से बड़ा खतरा भी मेरे लिए तिनके के समान है महामाई। अच्छा लगा ये जानकर कि तेरे नन्हे दिमाग में डर और हार की कोई जगह नहीं।
तू सच्चा योद्धा है जिसके लिए डर और खतरा कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ तुझे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। मैं दिल से चाहती हूं कि तुझे जीत हासिल हो, लेकिन याद रखना अगर एक भी मोती कम रहा ना तो वो पवित्र हवा नहीं बन सकते। सब कुछ नॉर्मल है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैं भगवान को अभी प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। डॉक्टर साहब, मानव सचमुच ठीक है ना? ठीक ही होता अगर उसकी उम्र 60 साल की होती। 60 साल मतलब? दरअसल बात ये है कि मानव के शरीर का प्रेशर और पल्स रेट 60 साल की आदमी की उम्र जितनी है, और ये कोई पहला केस नहीं है। सुबह से शाम तक मेरे पास ऐसे ही केसेस आ रहे हैं। किसी बच्चे का अचानक बीपी बढ़ गया, तो किसी के घुटने में तकलीफ है, पता नहीं कौन सा बच्चों में रोग लगा है कि सभी बच्चे तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। इसका कोई इलाज तो होगा डॉक्टर? अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर साहब, आपके पास इसका इलाज नहीं होगा, लेकिन बालवीर ने बच्चों को इस रोग से बचाने का वादा किया, वो अपना वादा जरूर निभाएगा। बालवीर, तुम जहां कहीं भी हो, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो, तुम ही हम सबकी आखिरी उम्मीद हो। ये है घमंडी पर्वत। घमंडी पर्वत? पर इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इसे अपनी ऊंचाई का बहुत घमंड है। ये जानता है इससे ऊंचा पर्वत कोई है ही नहीं, और इसी पर्वत में है हमारे बच्चों की दवा बनाने के लिए पहला सुनहरा मोती। पर इसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जाने का रास्ता तुम्हें खुद ही बनाना होगा। तो मैं अभी इस पहाड़ को तोड़कर इसके अंदर जाने का रास्ता बनाता हूँ। बालवीर, तुम शायद भूल गए कि ये भ्रम लोग हैं। यहाँ जो दिखता है वैसा होता नहीं। इससे अपनी ऊंचाई का घमंड है ना, तो इसे तुम्हें छोटा करना होगा। मुझे इसका घमंड तोड़ना होगा? हाँ, मगर कैसे? इसका हल तो तुम्हें ही निकालना है, लेकिन याद रहे इसे बिना काटे, बिना तोड़े, बिना हिलाए, बिना मिटाए। बच्चे, कैसे करोगे ये तुम सब? कैसे तोड़ोगे इसका घमंड, बोलो? पर ये तो असंभव है, बिना इसे तोड़े या काटे मैं इसका घमंड कैसे तोड़ सकता हूँ? बच्चे, तुम्हें तो तीन तीन चुनौतियां पार करनी थी, लेकिन लगता है तुम पहली चुनौती में हार मान गए। तेरे इरादे इतने मजबूत नहीं है जितना इस घमंडी पर्वत का घमंड। जाने दे महामाई, मुझे छोटा करना इस बालवीर के बस की बात नहीं। कह दे इसे ये वापस चला जाए अपने परीलोक। घमंडी पर्वत का घमंड कोई नहीं तोड़ सकता। चल वापस लौट चलते हैं बालवीर। बेचारे बच्चे कितनी उम्मीद लगाकर बैठे होंगे तुमसे, मगर उनको क्या पता कि उनका बालवीर पहले ही चुनौती में मुंह के खाए बैठा है। इस बार तुम जीत गई भयंकर परी, और बालवीर हार गया है।